ॐ ब्रीं अर्हं नमः ॐ ब्रीं अर्हं नमः ॐ ब्रीं अर्हं नमः ॐ ब्रीं अर्हं नमः रिलैक्स अब नेत्रों के लिए सामने एक एंगल बना के बाहर को निकालना है। जैसे अपन किसी को गुस्से में देखते ना तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो हमारे लिए नेत्रों के लिए बाहर निकालना है, गुस्सा नहीं करना किसी पर, सिर्फ नेत्र बाहर निकालना है। तो और एक एंगल बना लेंगे, जहां भी देखेंगे तो एक तरफ देखेंगे, शुरू हो जाएंगे, जब तक पानी नहीं आ जाए आंखों में तब तक देखते रहेंगे। ओम ब्रीम अर्हं नमः 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 ओम ब्रीम अर्हं रेस। चलिए ओम नमः 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 नमः। नीचे पैर के यहाँ पाप हाथ आना चाहिए। ओम नमः 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 ओम नमः। महिलाओं को अच्छी प्रैक्टिस रहती है इसकी। ओम नमः 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 ओम नमः। कनेक्शन पूरे शरीर में वायु को फैलाता है, जिससे हमारे शरीर के हथेली पर प्रेशर देना है। जैसे तम्बाकू खा देना तम्बाकू घिसते हो, तो ऐसे अपन को प्रेशर देना है। तो तम्बाकू नहीं खाना है, तम्बाकू तो अपन छोड़ते, शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए करना है कि जो हमारे अंदर वायु है, गैस है, वो सब बाहर हो जाए। अब दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ना है, जब तक अच्छे गर्म नहीं हो जाए तब तक रगड़ते, तेज ताकत लगा के रगड़िए जोर से, अच्छी ताकत लगा दो पूरी जितनी ताकत है। अच्छे गर्म कर लो तो इससे अपने शरीर में ऊर्जा जाएगी। अब ताली बजाना। जोर से ताली बजाएंगे, अच्छी ऊर्जा हो जाए। दोनों हाथ को पैर पर रख लेंगे घुटनों के ऊपर और ध्यान करेंगे कि जो अपन ने ऊर्जा ग्रहण की है वो शरीर के अंदर प्रेस कर गई है और सिर से लेकर पैर तक पूरे में जा रही है। मन बाहर नहीं जाना चाहिए, मन बाहर जाएगा तो कुछ फायदा नहीं हुआ। मन को बिल्कुल शांत चित्त करके प्रेशर करते रहिए और सुनते रहिए। जितना हम मन एकाग्र करेंगे उतना हमारे लिए फायदा होगा। मन तो होता है चंचल, ये थोड़े में कहाँ से कहाँ भाग जाता है, कुछ पता नहीं रहता है। बंदर की तरह इस डाल से उस डाल पर, इस डाल से उस डाल पर कूदता रहता है। इसी प्रकार यह मन है, कूदता रहता है। तो मन को हमारे लिए एकाग्र करना, दूसरे हाथ पे करिए, उंगली दबाइए, प्रेशर करिए। ह्रीम 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 झम 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 झम
चित्त में क्षोभ, चित्त में क्षोभ हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक होता है। व्यक्ति कोई भी कार्य जब करता है और अगर उसके चित्त शांत नहीं है तो उसको कार्य के करने में वह गति नहीं आती है, वह उस कार्य में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसका चित्त क्षुभित है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जो भी काम करते हैं, जब तक उनके चित्त क्षुभित रहते हैं तब तक वह कार्य नहीं कर पाते हैं, और जिनके चित्त प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, शांत हैं, या कहें शांत हैं, मन दो प्रकार से क्षुभित होता है, एक अत्यधिक दुख से, एक अत्यधिक सुख से। केवल दुख से ही नहीं, दुख से और सुख से। इंद्रियजन दुख प्राप्त होता है तब मन क्षुभित होता है, या अत्यधिक प्रसन्नता होती है, अत्यधिक सुख होता है तो मन फिर वहां भी थोड़ा सा चंचल होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि जैसे किसी का पुत्र का जन्म हो गया, 10 दिन की सूतक लग गई, क्यों सूतक क्यों लगी, कि उन 10 दिनों में तुम्हारा मन क्षुभित रहेगा, भगवान की पूजा करने में तुम्हारी जो मन नहीं लगेगा, मन क्षुभित रहा, तुम्हारा मोहिनी कर्म का आवेग है, बार बार तुम्हें अपनी तरफ ढकेलेगा, प्रसन्नता एक हेतु। दूसरा हेतु पाप कर्म है, उसका सूतक है, इस क्रिया में जो हिंसा होती है, जो जीवों का विघात होता है, उसके लिए प्राश्चित स्वरूप 10 दिन भगवान के कार्यों से आपको दूर रखा जाता है। दो हेतु, और घर में किसी का मरण हो जाता है तब भी मन दुखी होता है, और जो अंतिम क्रिया करते हैं उसमें हिंसा आदि होती है, उसके लिए विभाग किया आचार्यों ने कि किसके लिए कितना सूतक लगेगा, किसके लिए कितना पातक लगेगा, कितनी पीढ़ी तक कितना सूतक कितना पातक लगेगा, या शामिल होने वाले के लिए कितना सूतक कितना पातक लगेगा। क्योंकि उन दिनों में मन क्षुभित रहता है, मन क्षुभित रहेगा तो तुम्हारे धर्म ध्यान में मन नहीं रहेगा, चंचल रहेगा, तो आपको वह उपलब्धि नहीं होगी। और जो पाप का उपार्जन हुआ है उसके लिए भी आपको दूर रखा जाता है कि आपने पाप किया है, अभी भगवान को छूने लायक नहीं हो। प्यार बंधु, क्षुभित मन कभी कोई उपलब्धि नहीं करता है। मन जिनका जितना शांत रहता है, मुनराजों के लिए सूतक नहीं लगता है, क्यों, महाव्रत के धारी हैं, कभी अपने द्वारा किसी जीव का विघात नहीं करते हैं। कदाचित कहीं किसी जीव का विघात हो जाए, कोई दोष लग जाए, तुरंत सुबह से शाम में प्राश्चित देते हैं,
और अपने दोषों की शुद्धि करते हैं और दोषों की शुद्धि प्राश्चित लेके करते हैं, शुद्ध होते हैं। इसलिए मुन्नाज को कभी सूतक नहीं लगता है। और कदाचित संसार से उन्हें किसी से मोह नहीं है। उनके घर में, उनके परिवार में जहां उन्होंने जन्म लिया था, कौन जन्म रहा है, कौन मर रहा है, किसी की किसी भी सूचना आ जाए तब भी वह शांत रहते। क्यों? गृहस्थ में और श्रावक में इतना ही अंतर है। गृहस्थ का मन छुपित हो जाता है सूचना से और साधु का मन शांत रहता है। कितना ही कोई मर गया, कोई जन्म ले गया, कुछ भी हो गया, साधु कभी विचार नहीं करता। ठीक है, जन्म लेते हैं, मरते हैं, संसार में जीवों का जन्म लेना मरण लेना ये लगा है। प्यारे बंधु, शांत मन, जितना मन शांत होता है उतना जीवन का आनंद बढ़ता है और जितना मन क्षुभित होता है उतना जीवन का आनंद घटता है। और इस पर्याय का भी, अगले पर्याय का भी। इसीलिए कहा जाता मन को शांत करना है तो भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठो। मन को शांति चाहिए तो भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठना सीखो। जो भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठना सीखता है, भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठता है, उसको दुनिया के विकल्प कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको सत्य का बोध हो जाता है। भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनने से सत्य का बोध होता है और जब सत्य का बोध होता है तो व्यक्ति दुनिया से विरक्त हो जाता है। क्यों? दुनिया में कहीं भी खोजने पर क्या आपको कोई सुख मिला? राम भरोसे, देखो हमारे भिंड से आए राम भरोसे, इनका नाम है, क्या नाम है? राम भरोसे। राम के भरोसे इनने जीवन छोड़ दिया पूरा। राम से मतलब भगवान के भरोसे सारा जीवन, सारा जीवन इनका धर्म ध्यान में बीता और बीत रहा है। हमारे छुल्लक जी हैं, उनके परम मित्र हैं और अरहम सागर जी के परम मित्रों में से हैं। दोनों एक थाली में भोजन करने वाले हैं और हमारे भी ऐसे समझ लो कि साथ में पूजन करते थे जब घर में थे तब, है ना। लेकिन बहुत सरल स्वभावी, सीधे बिल्कुल। राम भरोसे जी, बताओ जब मन छवित होगा तो क्या किसी में काम में मन लगेगा? नहीं लगेगा। गृहस्थ सारा जीवन उसका ऐसे ही निकलता है। कमल जी, जब शाम को सोते हो तब दो चार चिंताएं साथ में लेके सोते हो कि ऐसी निश्चिंत सोते हो? हैं, चिंताओं को लेकर सोते हो। और जब सुबह उठते हो तो चिंताओं को लेकर उठते हो कि हैं? चिंताओं को लेके उठ, बिना आए उठे सब, अब सुबह ये करना है, अब वो करना है, पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि इसके बाद ये काम आज जरूरी है, ये काम नहीं निपटा तो और टेंशन बढ़ जाएगी, ये काम जरूरी है, इसकी फाइल पूरी कंप्लीट करना है, ये टेंशन वाले काम पहले निपटाओ। बिना टेंशन वाला काम कौन सा बताओ? दुनिया कोई काम ऐसा है जो बिना टेंशन वाला हो? आश्चर्य होता है कि दुनिया जानती है कि यहां सब टेंशन वाले काम है, तभी टेंशन वाले काम ही मोल लेता है। संतान से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा और देख रहा है कि कोई सुखी नहीं है। जिस दिन से गृहस्थी बसती है उसी दिन से टेंशन की लिस्ट चालू होती है और अंतिम जीवन का पड़ाव चलता है तब तक वो लिस्ट बंद नहीं होती। 80 साल के व्यक्ति से भी पूछोगे तो वो भी कह देगा कि हाँ अब नाती पोते हैं, वो लाइन पे लग जाएं, उनकी चिंता रहती है, मरे तो चुल्लू भर पानी डूब मरो, अब इनकी चिंता रहती है, उनकी चिंता रहती है। तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है अब तुम बैठे हो तैयारी और अभी भी चिंता लगी,
अरे इनका भाग्य है, इनकी किस्मत है, इनका पुरुषार्थ है, इनका भी कुछ है कि तुम्हारी सब कुछ है, इनकी नौकरी लग जाए, इनका बिजनेस लग जाए, इनका फलाना वैसा हो जाए, इनका ऐसा, अरे ये तुम्हारा क्या हो जाए ये तो सोच लो, नहीं चिंता। बोलो अम्मा कौन की चिंता है? अरे महाराज बस मोड़ी का ब्याह हो जाए, नातनी का ब्याह हो जाए, पोती का ब्याह हो जाए, पोता का ब्याह हो जाए, अरे मर्द क्या है। दुनिया की दशा हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया कितने अंधकार में डूबी है, कितने अंधकार में, पता है जहां से रिजल्ट जीरो है वही काम करने में आनंद आ रहा है, वही काम करना चाहता है। छुपित मन कभी उपलब्धि नहीं देता, मन को शांत करो, मन को शांत करो। कोई कुछ नहीं देगा, किसी में सुख नहीं मिलेगा, लड़कों के ब्याह हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, वो अपने गृहस्थी धीरे धीरे तुम नहीं भी करोगे तब भी एक दिन वो कह ही देंगे बेशरम बन के तुमसे कि पापा मम्मी अब तो थोड़ा सा सिस्टम हमारा अलग कर दो, बताओ ये सही है कि नहीं। तुम नहीं कर रहे हो तब भी उन्हें कहना ही पड़ा मजबूरी में, अब तो मेरा सिस्टम अलग कर दो। तुम मर रहे हो उनके ऊपर लट्टू भरे हुए रह जा रहे हो, मतलब वो इस संसार की दशा का चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करके अपने मन को विचार करना चाहिए कि हमारा मन शांत कैसे हो। मन को शांत करने के लिए जिनवाणी रूपी अमृत का पान करना पड़ेगा। जिनवाणी रूपी अमृत का पान जो करता है उसका मन शांत हो सकता है, और संसार रूपी विषयों का जहर जो पीता है, इच्छाओं का जहर जो पी रहा है, विषयों की इच्छाओं का जहर जो पी रहा है वह कभी शांत नहीं हो सकता है। कितना भी कर लो तुम, कितना भी कर लो सतीश भाई तुम्हारे साथ जाएगा क्या?